सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आज तारीख है 30 अप्रैल 2021 और यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक कैंडल यहाँ पर एक वीक का डेटा शो कर रही है और यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो लंबी अवधि यानी 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए होने वाला है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक के अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो कुछ सालों पहले करीब 2017 के आसपास ये शेयर 75 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट होती चली गई और लॉकडाउन के कारण इसने जो लो बनाया वो करीब 13 रुपये के आसपास का था, यानी 75 रुपये का शेयर अब 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन वहां से इसमें जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, जो आप यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो वॉल्यूम्स हैं उसमें भी आपको साफ साफ दिखेगा कि कितनी भयंकर खरीदारी, कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन यहां पर बनाई गई है इस शेयर में। उसके बाद आप देख सकते हैं इस शेयर ने जो हाई बनाया करीब 67 रुपये के आसपास का बनाया, उसके बाद इस शेयर में एक बार फिर से थोड़ी सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो शेयर जो हाई बनाया है करीब 67 के आसपास का है, ये एक रेजिस्टेंस था, जो कि यहां आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस था। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ये शेयर पार नहीं कर पाया और वहां से एक बार फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। और ये स्टॉक गया कहां तक, जो इसका पुराना यहां पर एक सपोर्ट था, जो आप देख सकते हैं यहां पर एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट के 49 रुपये के आसपास ये गया और वहां से वापस से रिकवरी इस शेयर में देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है कि भाई इस शेयर में फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है और ये नए नए हाईज बनाने की कोशिश करने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीक भी ही इस शेयर में तेजी देखने को मिली है और आगे भी मुझे लगता है कि शेयर में एक भयंकर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 55 रुपये का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्रैक करने के बाद यानी इसको ब्रेकआउट होने के बाद इस शेयर में एक नई तेजी देखने को मिलेगी और इसमें आपको जो है नए नए लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। और देखिए, कई कई बार आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले लोगों द्वारा ये कहा गया है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो नया HDFC बैंक है, यानी कि इस जो ये शेयर है, ये जो बैंक है, इसके बारे में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में है और इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बेहतरीन है, जिसके कारण लोगों को शेयर के रूप में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का कोई व्यू है तो निश्चित रूप से आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए और कुछ स्टॉक्स ही सही, लेकिन इस शेयर के आपको कुछ क्वांटिटी ज़रूर खरीद कर रखना चाहिए और लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये शेयर आप खुद ही देख लें, यहाँ पर चार्ट में आपको देखेगा 13 रुपये के आसपास का लो था और वहाँ से आज ये शेयर 55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, हाई इसने 67 का बनाया है। तो अच्छा मौका है अभी, अगर आपको इसमें पोजीशन बनाना है तो निश्चित रूप से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें देखिए, पहला टारगेट आपको, जैसे कि मैंने बताया, पहला टारगेट आपका 67-68 का ही होगा और दूसरा टारगेट इसमें 75 रुपये के आसपास का होगा। और देखिए, ये फिर ये जो शेयर है ये नए जोन में चला जाएगा, यानी कि जहां पहले ये कभी नहीं गया, अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा और उसके बाद इसमें नए नए लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप कल ये शेयर खरीदें और परसों के दिन ये बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक एक देखिए धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है और आपको ये सालाना हिसाब पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप डेली इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिटर्न समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, यानी अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा इसको रखूंगा, तो निश्चित रूप से आपको इसमें खरीदारी करके रखना चाहिए। और देखिए, वॉल्यूम्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही पाएंगे कि कितना बेहतरीन ये स्टॉक है और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो देखिए, मेरी राय यही है कि इस स्टॉक में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, जो कि अभी जहाँ जिसके आसपास ये चल रहा है, करीब 55 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट है और उसी के आसपास ये चल रहा है। उसको ब्रेक करने के बाद इसमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी। पहला टारगेट आपका यहाँ पर 67 का, दूसरा टारगेट 77-78 का यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अवधि आपको लंबी ही रखनी पड़ेगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।